विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के आह्वान पर आज शेगांवकुंड तालुका हिंगनघाट यहां स्वभाव के प्रदेशाध्यक्ष व समिति के जिला समन्वयक मधुसूदन हरने के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार की स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्माण की मांग ठुकराने पर तीव्र निषेध करके विरोध में नारेबाजी की गई। स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्मित का प्रस्ताव केंद्र के पास नहीं का वक्तव्य संसद में किया गया। इस विदर्भ विरोधी मोदी सरकार और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद के वक्तव्य का निषेध सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया। इस प्रसंग पर मधुसूदन हरने ने विदर्भ राज्य की मांग विदर्भ की जनता लगातार कर रही है, इसके लिए रेलवे रोको रस्ता रोको जैसे बड़े आंदोलन मोर्चे मेलावे प्रति विधानसभा जैसे आंदोलन किए गए और आज भी शुरू है। इसी भारतीय जनता पक्ष ने भुवनेश्वर के अधिवेशन में स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्मिति का ठराव मंजूर किया था। आज के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस और सुधीर मुनगट्टीवार के नेतृत्व में खामगांव ते आमगांव विदर्भ यात्रा निकाली गई थी। स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्मिति के लिए आंदोलन किए गए थे, लेकिन सत्ता में आते ही ये लोग विदर्भ द्रोही हो गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद का वक्तव्य मतलब मोदी सरकार के ये अंधे बहरे की सरकार बन गई है। उन्हें विदर्भ की जनता की मांग दिख भी नहीं रही है और सुनाई भी नहीं दे रही है। अब समय आ गया है कि विदर्भ प्रेमी जनता ने उन्हें सबक सिखाने का और बड़े आंदोलन के लिए तैयार होने का, ऐसा आवाहन उन्होंने किया। मोदी सरकार और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद के पुतले के दहन का इस समय आयोजन किया गया था, लेकिन आंदोलन स्थल पर पुलिस बंदोबस्त होने से पुतला दहन नहीं किया गया। इस समय आंदोलनकारियों ने मोदी सरकार के विरोध में जोरदार घोषणाबाजी की। आंदोलन में सरपंच राजू नगराए, ग्राम पंचायत सदस्य विजय किलनाके, नितिन भगत, गोकुल वंजारी, गणेश एकुनकर समेत अन्य लोग उपस्थित थे। इथे राज्य निर्माण करण्याचा प्रस्तावच आमच्या जवळ नाही असं म्हणून विदर्भातल्या जनतेच्या भावनेशी खेळ केला आहे। विदर्भातली दरवर्षी विदर्भाच्या मुद्द्यावर मोठमोठी आंदोलन सुरू आहे। चार वर्षापूर्वी शेवाग्रामला रेड रोको आंदोलन झालं, मागच्या वर्षी 15,000 लोकांचा मोर्चा चंद्रशेखर बावनकुळेच्या घरावर गेला होता। त्या अगोदरच्या वर्षी नितीन गडकरींच्या घरावर मोर्चा नेला। जिल्ह्यातल्या सर्व खासदारांच्या घरावर विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या वतीनं मोर्चे नेऊन ही विदर्भाची मागणी दरवर्षी करण्यात येते, परंतु एक मजुरी म्हणून जो त्यांनी वक्तव्य केलं आणि त्या वक्तव्याचा निषेध म्हणून आज आम्ही या ठिकाणी निषेध व्यक्त करतो आणि आताही मोदी सरकारचा या कृतीचा निषेध करतो। आणि मोदी सरकारनी आणि त्या मंत्र्यांनी आता तरी समज घ्यावी आणि विदर्भाच्या जनतेच्या भावनेशी खेळू नये आणि जर सरकारला फक्त हिंसक। BCN न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवी येनोरकर की रिपोर्ट।